क्रीम और मलाई डालते हैं लोग। मटन पुलाव है, ये देख सकते हो मावा जलेबी आ ठीक भी लग रहा है। अभी मैं नफरत का शरबत ट्राई कर रहा हूँ, हलवा पराठा भी मिल रहा है, तो मोहब्बत और नफरत का शरबत मिल रहा है, चिड़ा भी यहाँ पे मिल रहा है आपको, देख सकते हो यहाँ पे रबड़ी फालूदा भी तो मसाला मिल भी। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज का वीडियो आपको टाइटल देखकर पता चल ही गया होगा, हम लोग जा रहे हैं मुंब्रा खाऊ गली एक्सप्लोर करने के लिए। वहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के आपको फूड, वैरायटीज ऑफ फूड्स मिलते हैं, स्वीट, डेजर्ट, और जैसे इफ्तारी करने जा रहे हैं हम लोग, सो क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी वहाँ पे, सो पूरा व्लॉग देखना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को क्लिक करो, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो चलो चलता हूँ और मिलता हूँ आपको। स्टेशन से आपको ऑटो मिल जाएगी मुंब्रा कौसा के लिए, वहाँ पे खाऊ गली है, फुल डिटेल लोकेशन में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे आप मालपुआ भी मिल रहा है, सिंगल और डबल, स्पेशल मालपुआ अक्सा का, अक्सा मालपुआ कौसा में मिल रहा है स्पेशल, और देख सकते हो यहाँ पे भी अमृत नगर मार्केट में, नहीं समझ रहे आप, घर में भी हमारे साथ होता है ना। और फिरनी भी है क्या? हाँ फिरनी, कैसा प्लेट? फिरनी वाइट 30 की, मैंगो 40 की। फिरनी भी आ चुकी है गाइस मुंब्रा में, ये देख सकते हो गाइस, अभी यहाँ पे देख सकते हो पराठा और हलवा पराठा भी मिल रहा है। कैसा है ये प्लेट? 40 पाव है, गर्म है बहुत। देख सकते हो यहाँ पे 150 रुपीज मालपुआ बन रहा है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखो उसके अंदर पूरा क्रीम और मलाई डालते हैं लोग, और खोआ भी डालते हैं। यहाँ पे देख सकते हो पुलाव भी मिल रहा है गाइस आपको, ये किसका मटन पुलाव है? हाँ मटन पुलाव, मटन पुलाव, और वो दाल खिचड़ी है, खिचड़ा है, खिचड़ा भी मिल जाएगा ये। अच्छा कैसा प्लेट है ये? 50 रुपये और 60 रुपया प्लेट है। और ये देख सकते हो यहाँ पे ब्रेड का भी आपको मिल जाएगा, ये पैदा रोटी है, चिकन रोल, कैसा ये? 40 रुपया ये, 50 रुपये का आपको मिल जाएगा। और खिचड़ा भी यहाँ पे मिल रहा है आपको, देख सकते हो कैसा प्लेट है ये, 50 रुपया प्लेट मिल जाएगा। और पुलाव भी बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ का, कौन सा ये? A1 मुस्तफ़ा का, यहाँ पे देख सकते हो पीछे। और यहाँ पे तंदूर आइटम्स भी आपको मिल जाएगी, देख सकते हो लाइन से पीछे बन रहा है। अभी हम लोग खिचड़ा ट्राई कर रहा हूँ और आपको बताता हूँ, यहाँ पे भी कुछ मेरे फैमिली के हिस्से मिल गए थे, सो इनको भी मेरे चैनल का नाम चाहिए था, सो इनको मैं चैनल का नाम डाल के दे रहा हूँ, और इन्होंने सब्सक्राइब भी किया। आपको हलवा पराठा लाइन से यहाँ पे आपको मिल जाएगा खाने के लिए, सो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कहीं पे सिटिंग के लिए बैठने वाले, और आपको बताता हूँ यहाँ का टेस्ट क्या है। अभी हमने खिचड़ा और कुछ पुलाव ऑर्डर किया है, सो अभी आने वाला है वो, और आपको ट्राई करके बताता हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ यहाँ के फूड, आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे फालूदा भी मिल रहा है A1 मुस्तफ़ा का, आप लोग देख सकते हो कौन से फालूदा आपको मिल जाएगा, बेस्ट क्या है। और ये बन रहा क्या है अभी यहाँ पे? तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे रबड़ी फालूदा अभी बना रहे, तो आपको बताता हूँ कैसे बनता है ये। इसके अंदर रबड़ी भी डाल रहे हैं भाई अपने, यहाँ पे भी देख सकते हो पुलाव वगैरह आपको मिल जाएगा खाने के लिए, और लाइन से यहाँ पे बहुत सारी स्टॉल्स है खाने के लिए, आपको मिल जाएगी टिक्का आइटम और खिचड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है। ये पुलाव भी आपको मिल जाएगा खाने के लिए, देखो ये फेमस है भाई ये पुलाव के लिए। और ये क्या ये क्या खिचड़ा है? 50 रुपया प्लेट मिल जाएगा आपको। सो गाइस देख सकते हो ये हलीम है, आपको ट्राई करना, कैसा प्लेट है ये? 150 रुपीज़ प्लेट मिल जाएगा आपको हैदराबादी हलीम, मालपुआ है देसी का, मालपुआ भी है, सिग्नेचर आइटम मसाला मिल्क, मसाला मिल्क भी आपको मिल जाएगा। क्या है नाम? मसाला मिल्क नहीं है, काई कबीला, काई कबीला, काई कबीला इनकी शॉप का नाम है। सो आप लोग आके यहाँ पे ट्राई कर सकते हो मुंब्रा वाले। यहाँ पे देख सकते हो बुरहानपुर फेमस जलेबी है भी आपको मिल जाएगी मुंब्रा में, देख सकते हो मावा जलेबी, और ये दही वड़ा आपको मिल रहा है, ये गुलाब जामुन, कैसा प्लेट है ये? 80 रुपया प्लेट है, कितना पीस आएगा इसमें? 8 पीस आ जाएगा, वो ज़्यादा नहीं आएगा, 2 पीस देना हमें प्लेट। तो गाइस मावा जलेबी अभी ले रहा हूँ मैं, और आपको ट्राई करके बताऊँगा कैसे टेस्ट है। गरम है ना ये?
ऊपर ऐसे जलेबी भी डालते हैं। और ये कैसा प्लेट गुलाब जामुन? अच्छा सुपर प्लेट। ये भी आपको 50 रुपीस प्लेट मिल जाएगा। और दही वड़ा कैसा? अच्छा सुपर प्लेट। वो भी 50 रुपीस प्लेट है। ये देख सकते हो मावा जलेबी आ गई गाइस, गरम गरम, बहुत ही ज़्यादा। आपको ट्राई करके बताता हूँ कैसे टेस्ट है। मावा जलेबी ट्राई कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे गरम है थोड़ा काफ़ी अच्छी टेस्ट भी। यहाँ पे देख सकते हो मालपो अभी भी बना रही है। अच्छा ये भी, अच्छा अच्छा इनकी शॉप है। ये कैफे रहमत, यहाँ पे आपको तंदूर आइटम्स देख रहे हो, यहाँ पे टिक्का स्टिक्स वगैरह सब मिल जाएगा आपको। एंड यहाँ पे क्या बना रही है? ये 240 रुपया प्लेट है। क्या बना रहे, क्या है? ये लेग पीस है, चिकन टिक्का है, सीख कबाब है, चिकन टिक्का है, बूटी है, आप तंदूरी है, पूतन तंदूरी है। अच्छा ये सब सारे खीरे वगैरह सारे टिक्के वगैरह बना रहे हैं यहाँ पे। और ये तंदूर आइटम देख सकते हो, नीचे भी आपको कबाब मिल जाएगा, सीख कबाब। सो गाइज अभी मैंने जस्ट मावा जलेबी भी खाया और यहाँ से मैं जा रहा हूँ, आपको बताता हूँ शौरमा और मोहब्बत शरबत। तो यहाँ पे देख सकते हो ऐसा सिटिंग एरिया भी है आपको बैठ के खाने के लिए, अगर आपको सिटिंग एरिया चाहिए तो यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे भी देख सकते हो शौरमा मिल रहा है, दुबई स्पेशल। कैसा ये प्लेट है? 40 60 एक दे दो ना शौरमा। अच्छा बनाओ, स्पाइसी बनाओ। हाँ एक शौरमा दो। सो गाइज अभी हम लोग शौरमा ट्राई करते हैं यहाँ पे, दुबई स्पेशल। और सागर स्वीट वाला है इसके बाजू में, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो कैसे टेस्ट है आपको बताता हूँ। सो गाइज अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ ये शौरमा, आप लोग देख सकते हो शौरमा ट्राई किया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और सॉस भी काफ़ी अच्छा डाला है, स्पाइसी भी है थोड़ा। सो मतलब इनको 25 ईयर्स हो गए यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हो मोहब्बत और नफरत का शरबत मिल रहा है मुमरा कोसा में। और ये कौन सा शरबत है? मोहब्बत का शरबत है। और ये क्या है? देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, मतलब पब्लिक को पसंद आ रहा है। ये कौन सा मैंगो है? मैंगो एप्पल फ्लेवर है। और ये वाटरमेलन है। और वो वाला वो पाइनएप्पल फ्लेवर का है। सो अभी ये वाला ट्राई करने वाले हम लोग, और ये वाला भी ट्राई करेंगे। सो ये दो ग्लास दे दो हम लोग को। कैसा ग्लास है ये? 10 रुपये देख सकते हो आप। ये ग्लास में मोहब्बत का शरबत, मैं मोहब्बत का शरबत ट्राई कर रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और रिफ्रेशिंग भी है, मतलब जूस वगैरह एंड वाटरमेलन पीसेस भी डाले इसके अंदर। एक नफरत का शरबत देना। नफरत का शरबत महंगा है ना? 10 रुपये ठीक है, एक ये दे दो। थैंक यू। सो गाइज अभी मैं नफरत का शरबत ट्राई कर रहा हूँ, इसमें मैंगो का फ्लेवर आ रहा है और एप्पल का भी फ्लेवर है। सो बहुत ही ज़्यादा जूसी भी है और ठंडा ठंडा है। सो आप लोग ट्राई कर सकते हो अगर शॉपिंग वगैरह के लिए आ रहे हो। सो डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो आप लोग ये वाला जूस ज़रूर ट्राई करना है यहाँ पे। कैफे रहमत है इनकी शॉप का नाम। और देख सकते हो यहाँ पे आपको तंदूर आइटम्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे सीख भी लग रहा है। और देख सकते हो इतने सारे लोग आते हैं यहाँ पे खाने के लिए, और क्राउड भी बहुत ज़्यादा ही आती है, मतलब काफ़। तो गाइस ये देख सकते हो कैफे सागर यहाँ पे मुमरा में। और यहाँ पे ऐसे फ्रेश गरम गरम मालपुआ आपको मिल जाएगा बना के। क्या डाल रही हो ये? मैंगो, मैंगो मालपुआ मिल जाएगा आपको, देख सकते हो ऊपर पूरा मैंगो का और क्रीम डाल रहे। तो यहाँ पे देख सकते हो फिरनी भी मिल जाएगी जो दूध की बनी हुई होती है मट्टी में, ये 40 की और ये 45 की मिल जाएगी आपको। और यहाँ पे मालपुआ भी डबल ट्रिपल लेयर मिल जाएगा, मतलब 150-200 से स्टार्टिंग है इनके पास। देख सकते हो यार यहाँ पे रमज़ान में क्या रौनक का माहौल हो चुका है, पूरे लोग यहाँ पे इफ्तारी वगैरह करने के लिए आते हैं।
और यहाँ पे ऐसी भीड़ रहती है पूरे रमज़ान में, पूरे 30वें रोज़े तक ऐसी लगेगा। और अभी 10 दिन बाकी है आखिरी के, और देख सकते हो कितने सारे जायके यहाँ पे स्ट्रीट पे भी, यहाँ पे और ये साइड पे मार्केट लगता है और शॉपिंग कर सकते हो आप, और यहाँ पे भी आके आप खा सकते हो एंड पूरा एंड तक आपको मिल जाएगा। और ये मस्जिद के पास ही है, सो ये मस्जिद के नीचे आपको मिल जाएगा सारी चीज़ें। सो गाइज अभी हमने खा चुके हैं शोरमा और हम लोग जा रहे हैं अभी हलीम खाने के लिए। सो आपको बताता हूँ यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा रश होती है, मतलब यहाँ पे शॉपिंग करने भी आते हैं बहुत सारे लोग और खाने के लिए भी। सो आपको ट्राई करके बताता हूँ कैसे टेस्ट है। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे गर्मा गर्म हलीम बन रहा है इसके अंदर, और इतना बड़ी क्वांटिटी में बनता है। सो दिन भर आते तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और इसके अंदर पड़ता है अपना काजू, फिर बाद में नींबू डालते हैं, बरिस्ता डालते हैं, और फिर बाद में पुदीना डाल के फिर ऐसे बन जाता है। तो गाइस देख सकते हो ये है हलीम, और देख सकते हो इसके अंदर काजू भी डाला हुआ है, और असली घी में बनता है ये मटन का। सो काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, तो आपको ट्राई करके बताता हूँ कैसे टेस्ट है। हर चीज़ पे आपको ट्राई करना। अच्छा देख सकते हो गाइस यहाँ पे आपको मसाला मिल्क भी मिल जाएगा, और सिर्फ काई कबीला में ही आपको, पूरे बुमरा में आपको मिलेगा ये। सो आपको टेस्ट कैसे यहाँ का बताता हूँ प्रॉपर से। सो ये काफ़ी ठंडा होता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है, और दूध भी काफ़ी अच्छा, मतलब ठंडा ठंडा चिल है। सो गाइस अभी मैं हलीम टेस्ट कर रहा हूँ और आपको बताता हूँ यहाँ का टेस्ट कैसे है। और यहाँ पे देखिए तो पूरा बरिस्ता वगैरह सब डाला होता है इसमें। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है और जूसी भी है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है शॉपिंग के लिए मार्केट में भी। सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग के लिए गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो ऐसी वीडियोज़ देखना है आपको, और ट्रैवल शॉपिंग और फूड के रिलेटेड, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना और बहुत सारा प्यार दिखाना। आप लोग सब दिखाते ही हो, और आप सबका प्यार ही मुझे यहाँ तक लाया है। सो ऐसे ही प्यार करते रहो, मैं नए नए वीडियोज़ आप सबके लिए लाते रहूँगा।